लगातार जीत हासिल की है। साउथ अफ्रीका को भारत ने 130 रनों से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की टीम 177 रनों पर ऑल आउट हो गई। आर अश्विन ने 3, मोहित शर्मा और शमी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, जबकि जडेजा के खाते में 1 विकेट आया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 308 रनों का लक्ष्य रखा। शिखर धवन ने शानदार 137 रन बनाए, जबकि उप कप्तान विराट कोहली ने 46 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने 79 रनों की पारी खेली। शिखर धवन की शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। शॉर्ट गेंद पूरी तरह से नहीं पाई, मौका यहाँ पर विकेट लेने का, एक और सफलता यहाँ पर मिलती हुई भारत को। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता संदीप। वाकई में भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतिहास बदल दिया भारतीय टीम ने। जी सुधा, बिल्कुल सही कहा, इतिहास बदल दिया भारतीय टीम ने। विश्व कप में जो टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से कभी भी नहीं जीती थी, वो 2015 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कर दिखाया। जो भारतीय टीम की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, स्पेशली ओपनर जो हों शिखर धवन और वन डाउन बल्लेबाज विराट कोहली, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से शुरुआती ओवरों में खेला, और जो अफ्रीका का तेज गेंदबाजी अटैक था, चाहे वो स्टेन हो, मॉर्गन हो या वर्नन फिलैंडर या वैन परनेल, सभी के सभी ने अपने अपने ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन दिए। भारतीय बल्लेबाज उन पर चढ़ के खेले, अपने स्ट्रोक खेले, लंबा मैदान था, फिर भी भारतीय बल्लेबाजों ने चौके छक्के खूब लगाए। और वही बात की जाए क्या भारतीय बॉलर की, जो इनमें अभी तक सबसे कमतर आंका जा रहा था रविचंद्रन अश्विन को, उन्होंने 3 विकेट निकाले अपने 10 ओवर के स्पैन में, 3 विकेट निकाले। तो चाहे भारत की चाहे मजबूत कड़ी बल्लेबाज हो चाहे स्पिनर, दोनों ही इस मैच में हावी रहे, जिस कारण अफ्रीका इस मैच में पीछे चलता था। संदीप, इस पूरे मुकाबले में आखिर क्या हो गया? भारतीय टीम ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है उसका नतीजा है, या साउथ अफ्रीका की टीम की अगर बात की जाए तो उसकी कोई कमजोरी देखने को मिली? क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम की अगर बात की जाए तो उनकी बल्लेबाजी दुनिया की तमाम जो क्रिकेट की टीम है उनमें काफी बेहतर मानी जाती है, काफी बड़े पायदान पर वो मानी जाती है। लेकिन आज जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला उससे तो ऐसा लगा कि भारत ने इस पूरे मुकाबले को एक तरफा कर दिया। जी बिल्कुल, जब अगर अफ्रीकी बल्लेबाजी की बात की जाए तो किसी से भी कम नहीं है, चाहे वो आशिम अमला हो, डुप्लेसिस हो, डिविलियर हो, पर जैसे ही उनके शुरुआती झटके लगते चले गए, मोहित शर्मा ने जल्दी विकेट निकाले, मोहम्मद शमी ने शुरुआती ओवरों में ही उनका अपना डिकॉक को आउट कर दिया, जिससे जो 300 रन का एक मनोवैज्ञानिक जो एक मान बढ़त होती है चाहे उनके दिमाग पे हो, वो टीम इंडिया लेती चली गई। चाहे डिविलियर्स और डुप्लेसिस के बीच में कहीं छुटपुट साझेदारियां बनती चली गई, लेकिन भारतीय अगर यहाँ पर फील्डिंग की बात रहे तो वो भी बहुत चुस्त दुरुस्त थी, इस कारण यहाँ साउथ अफ्रीका इसमें मैच में पीछे होती चली। जब बल्लेबाजी की बात करें तो उनके जो बैट्समैन थे स्टार बैट्समैन आशिम अमला, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि अच्छा खेलते हैं, ग्राउंड शॉट खेलते हैं, पर वो कहीं ना कहीं भारतीय बॉलरों के आगे थोड़े ऐसे दिखे। जो डिकॉक उनके बल्लेबाज समय ने बहुत जल्दी उन्हें अंदर बाहर भेजा और डिविलियर दुर्भाग्यशाली रहे जो 30 रनों पर रन आउट हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करते हैं मुंबई का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता मनीषा दुबे। मनीषा, इतिहास बदल दिया है भारतीय टीम ने, वहां पर जो प्रशंसक आपके साथ मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बातचीत करें और जानने समझने की कोशिश करें कि जिस तरह से इतिहास बदला गया है उसके बाद फैंस का क्या कहना है। जी बहुत सही कहा आपने, ये बहुत पहली बार है कि जब भारत वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया है और ये लगातार दूसरी जीत है पाकिस्तान के बाद, और इसे साफ जाहिर होता है कि जो हमारी भारतीय टीम है उसके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है, और 130 रनों से जो हमने विजय प्राप्त की है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जा रहा था कि साउथ अफ्रीका टीम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम है और हमेशा से जो साउथ अफ्रीका की टीम के जो प्लेयर्स हैं उन पर ये दबदबा बना रहता है कि सामने वाली टीम को किसी ना किसी तरीके से कमजोर करके उन पर जीत हासिल की जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बल्कि हम जो है साउथ अफ्रीका पे 130 रन से जो है हम विजयी हुए हैं, और आज हमारे पूरे देश के लिए काफी गर्व की बात है क्योंकि ये वर्ल्ड कप है और हर देश इसमें जो है वो जीतने की होड़ में लगा हुआ है, और ऐसे में हमारी ये दूसरी जीत है तो इसे साफ जाहिर है कि लोग जो है वो काफी खुश है और हर जगह पटाखे फूट रहे हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ भी यहाँ पे कुछ युवा जो फैंस हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं लोग यहाँ पे खड़े, चलिए उन्हीं से बात करके आपको बताते हैं कि वो कितने खुश है। हेलो, आज यहाँ पर आपने देखा कि जिस वजह से हमने जीत पाई है साउथ अफ्रीका पे वो अपने आप में बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश है आज आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश है कि इंडिया 130 रन से जीता है, हम लोग बहुत खुशी मना रहे।
शिखर धवन ने सेंचुरी मारा है, बहुत खुशी हुई हमें। और जो मुंबई का मुलगे हैं अजिंक्य रहाणे ने भी आज बहुत अच्छा स्कोर किया, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनके और शिखर के जो उनके लिए हम नहीं कहना चाहेंगे, साउथ अफ्रीका के लिए जरूर कहना चाहेंगे, वो भी सोचते रहेंगे कि हमारा कपड़ा सेम है पाकिस्तान के जैसे, हम पाकिस्तान में जो इतनी धमाकेदार जो जीत हमने जो हासिल की है उसकी वजह से, तो काफी मतलब खुश हुए इंडिया वाले, और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसी हम ये करते रहे हमारे देश के अंदर, तो उनकी बात होगी और हमें भी खुशी मिलेगी, तो हम जरूर गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब कितने उत्साहित है लोग और काफी खुश है, सभी को ये लग रहा है कि भारत ने आज बहुत अच्छा खेला है और बहुत अच्छी तरह से जो है साउथ अफ्रीका टीम पर जो है वो विजय पताका फहराई है, और सभी लोग जो युवा है और बुजुर्ग सभी आज इस जश्न को खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। अच्छा मनीषा, पिछला जो वर्ल्ड कप का मुकाबला था वो भारत के नाम रहा, इस बार जो फैंस हैं उन्हें उम्मीद है इस टीम से कि एक बार फिर से वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो भारत के खाते में आएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछला जो वर्ल्ड कप था वो भारत ने जीता था, और साफ जाहिर है कि आज जो दूसरी जीत जो लगातार दर्ज की है भारत ने, ये अपने आप में ही एक और ज्यादा विश्वास जगाती है, उम्मीद जगाती है लोगों में कि आने वाले समय में जो है वर्ल्ड कप वो हमारे ही घर आएगा, अपने ही देश में आएगा, और ऐसे में लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब अगले मैच में देखना यह है कि क्या भारत उसी प्रदर्शन के साथ फिर एक बार मैदान पे उतरेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो धोनी की जो कप्तानी पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहे थे वो कहीं ना कहीं अब हट चुके हैं, और जिस तरह से जो नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत मैदान पे दिखाई है उनके लिए भी बहुत बड़ा जो है आने वाला सुनहरा दौर कह सकते हैं, ये वर्ल्ड कप का एक जो प्लेटफॉर्म है ये उनके करियर के लिए आगे जाके एक बहुत बेहतरीन मिसाल साबित हो सकता है। तो जी हाँ, कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है पॉजिटिविटी काफी बढ़ गई है, सकारात्मक सोच उनकी बढ़ गई है, और लोग यही चाह रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड कप है वो हमारे देश में ही आए। अच्छा मनीषा, शिखर धवन की अगर बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद विराट कोहली आउट हुए, उसके बाद क्या वाकई में ये उम्मीद की जा रही थी कि शिखर धवन इस तरह से टिककर खेलेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है और कहा जा सकता है कि शिखर धवन ने धमाका कर दिया। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि सुबह जिस तरह से विराट कोहली और शिखर धवन खेल रहे थे लग रहा था कि इन दोनों की जोड़ी है वो कम से कम 200 के पार बनाएगी, लेकिन अफसोस कि विराट कोहली 46 रन बनाकर ही आउट हुए, लेकिन फिर उसके बाद जो पारी संभाली अजिंक्य रहाणे ने वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो शिखर धवन का जो पिछला परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो एक तरह से इस वर्ल्ड कप में शिखर धवन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो अपने आप में उनके करियर के लिए मिसाल साबित हो सकता है, और अजिंक्य रहाणे जो मुंबई का मुलगा है वो बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन नहीं कहे जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से इनकी केमिस्ट्री हमें मैदान पर देखने को मिली इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में अगर यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है तो वाकई वो हमारे लिए विजय पताका फहराएंगे। जी हाँ, वाकई में अश्विन की अगर बात की जाए तो आज उन्होंने गेंद से कमाल करके दिखा दिया है, एक के बाद एक विकेट उन्होंने हासिल किया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के साथ वर्ल्ड कप के मुकाबले की अगर बात की जाए तो 3 बार घट चुकी है भारतीय टीम और 3 बार उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार इतिहास बदल चुका है, 4th मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है।